डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए मैथ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन हम लोग कुछ किए थे पिछले क्लास में और चलिए हम लोग आज उसी के आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज में हम लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन तक के किया था, सॉल्यूशन 3 नंबर क्वेश्चन तक के किया था। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करते हैं। जैसा कि पता है क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आपके सामने बुक है तो बुक खोल लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर पता हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, मेरे पास बुक है तो हम बुक का क्वेश्चन आपको बोल के समझा देते हैं और उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको हम समझाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन जो 4th नंबर बोल रहा है एक्सरसाइज 1.5 का, रिप्रेजेंट 9.3 का रूट ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट करना है 9.3 का रूट को कहां पे, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उन चीजों को समझिए, यानी कि रूट में है 9.3, इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट कहां, ऑन नंबर लाइन, ठीक है, यानी कि एक नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है रूट अंडर 9.3 को। तो सबसे पहले एक स्केल की सहायता से इसका जो सॉल्यूशन करना है वो कैसे कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। आप जो है एक स्केल लीजिएगा और स्केल से 9.3 सेंटीमीटर का यूनिट का एक लाइन खींचेगा, ठीक है, 9.3 यूनिट का लाइन खींचेगा, ठीक है। अब खींचकर आपको करना क्या है कि इसका नाम दे देना है OA, इसका नाम क्या दे देना है OA। इतना खींचने के बाद, इतना खींचने के बाद आपको फिर से इंच में 1 सेंटीमीटर ऐड करना है आगे, ठीक है, यानी कि OA खींचने के बाद आपको 1 सेंटीमीटर को और ऐड करना है आगे, यानी कि यहां से इंच स्केल को रखकर यहां हमको 1 सेंटीमीटर और ऐड करना है और इसका नाम दे देना है B। इसका नाम क्या दे देना है B। अब फिर क्या करना है, O और A B, O B के बीच को डिवाइड करना है, इसको क्या लिखेंगे, लेट O से लेकर A तक के हम लोगों ने डिस्टेंस कितना माना 9.3 सेंटीमीटर O से लेकर A तक, ठीक है। फिर क्या किए, A पॉइंट से आगे B की ओर एक यूनिट 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिए एंड AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तो O और B को क्या करना है, डिवाइड करना है, ध्यान दीजिएगा बातों को, O और B को डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, तो उसके बाद लिखेंगे एंड डिवाइड OB लाइन को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करने के लिए प्रकाल की जरूरत होगी, उस प्रकाल में क्या करना है कि पेंसिल को कस लेना है बराबर तौर पे, ठीक है, और पेंसिल को प्रकाल को कसकर और बढ़ा लेना है। कितना बढ़ाना है, लगभग आधे से ज्यादा नाप लेना है अपने से कि O से लेकर B तक में आधे से ज्यादा उसको बढ़ा लेना है, लगे कि आधा से ज्यादा है। करने के बाद ऊपर में भी कट करना है और नीचे में भी कट करना है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में भी कट कर दिया कहां पे, लोहा वाला पॉइंट को यहां रख के ऊपर में कट कर दिया, नीचे में कट कर दिया, B पॉइंट पे इस बार लोहा वाला रखकर इस बार कट कर लिया यहां और कट कर लिया यहां, देख पा रहे होंगे, एक बार B पे लोहा वाला पॉइंट को रखकर पेंसिल को घुमाना है, ऊपर भी घुमाए नीचे भी घुमाए, तो यहां पे सपोज दैट कटा, नीचे यहां कटा और ऊपर वहां कटा,
तो करना क्या है, अब स्केल को रखकर, इस पे स्केल को रखकर ये दोनों पॉइंट को ऐसे डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। अब जो डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे वो पॉइंट का नाम रख देना है सी, पॉइंट का नाम क्या रख देना है सी। अब क्या करना है कि इसको रेडियस मान के, यानी कि लोहा वाला को यहां रख के, जो पेंसिल कसा हुआ है, प्रकाल वाले को लोहा वाला यहां रखेंगे और पेंसिल वाले को बी तक रखेंगे ऐसे, और फिर इसको यहां पे लोहा वाला, यहां पे पेंसिल रख के और एक ऐसे घुमा देंगे, तो ये ऑलरेडी ऐसा बनेगा। जब हम यहां पे पेंसिल रख के और चारों तरफ यहां पे लोहा वाला है पॉइंट, यानी नोक सुई, लोहा का सुई, और यहां पे पेंसिल को अगर घुमाएंगे तो ऑलरेडी ए पर जाके मिल जाएगा। इतना काम छोड़ देना है। फिर क्या करना है, आपको एक चांद लेना है और चांद की सहायता से, प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं, प्रोटेक्टर की सहायता से आपको ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे 90 डिग्री भाई? तो 90 डिग्री का एंगल ऐसे, ऐसे बात किया जाए तो ए पे, चूंकि यहां पे 90 डिग्री का आपको एंगल, तो चांद की सहायता से आपको ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब ए पर जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहां पे, तो मान लीजिए कि वो कहां पे कटेगा, वो कटेगा सपोज दैट डी हो गया ना, ए बी सी ओ, यहां पे मान लीजिए कि वो डी पे कटेगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, इस डी पे जो पॉइंट कटेगा, फिर से डी पर पेंसिल के सुई को रखकर आगे की ओर मिला देंगे। तो ये मेरा जो 9.3 वाला लाइन था, जहां पे कट करेगा वही हो जाएगा ए ई, यानी कि इसलिए ए ई का वैल्यू रूट अंडर 9.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको जैसे जैसे बोले वैसे ही आपको काम करते चले जाना है, और फिर इस तरीके का फिगर बनेगा आपका, ये ए से लेके ई तक का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर 9.3। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रूट वाले और अंदर पॉइंट में रहेगा तो उसको इसी तरीके से डिनोट्स करते हैं। चलिए अब इतना चीज हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि आप जितना भी नीचे दिया गया क्वेश्चन है, पांचवें नंबर में टोटल बात किया जाए तो 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चन को सवाल बोल रहा है कि आप रेशनलाइज करो। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? रेशनलाइज का मतलब होता है उसको सिंपल फॉर्म में आप तोड़ दीजिए, सिंपल फॉर्म में बनाइए, रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि नीचे अगर रूट 7 है तो जितना अगर नीचे रहता है तो उसी नंबर को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे क्या है, रूट 7, तो जितना नीचे रहता है उसी चीज को मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पे क्या बन रहा है, क्योंकि रेशनलाइज का मतलब दो चीज होता है, अगर नीचे प्लस में रहता है, अगर मान लिया कि नीचे दो को चीज रहता और दोनों प्लस में रहता तब हम लोग माइनस माइनस करके गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रूट में रहता है, तो जब भी रूट में रहता है ना उतना ही नंबर से ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। तो रूट 7 को 1 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, रूट 7, और नीचे कितना बनेगा, तो हम लोग जानते हैं ना कि सेम नंबर का रूट को अगर सेम नंबर के रूट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना बनता है, वही नंबर बच जाता है। जैसे रूट 7 को रूट 7 के साथ करेंगे तो क्या बच जाएगा, रूट 7। तो इतना ही हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/7 और रूट 7, इतना भी बोल सकते हैं, क्योंकि आखिर इसको 1/7 लिख दिए अलग से
और रूट सेवन को बगल में लिख दिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि रेशनलाइज का मतलब होता है कि अगर नीचे रूट में रहे तो हम उतना ही नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब आगे पांचवा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो क्वेश्चन है ऐसे है, वन बाय रूट सेवन माइनस रूट सिक्स, ये क्वेश्चन है। फिर इसको रेशनलाइज करना है, तो अभी ना हम बताएं कि रेशनलाइज करने के लिए आपको चीजों को देखना पड़ेगा। यहां पे नीचे क्या है, माइनस, तो जब माइनस रहेगा तब आपको इसका साइन को उल्टा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहां पे हम जो सवाल है पहले उसको लिख दिए, रूट सेवन माइनस रूट सिक्स, और यहां माइनस है ना, इसको प्लस प्लस कर दिया, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स बटा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, यहां पे साइन को चेंज कर दिया, और साइन को अगर चेंज कर दिया तो अब कैसे बन रहा है, रूट अंडर सेवन प्लस रूट अंडर सिक्स बटा ए माइनस बी, और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट सेवन का स्क्वायर माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर। तो यहां पे आप लिख दीजिए, ऊपर का तो ऊपर रहेगा यानी कि रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, और रूट सात का स्क्वायर कितना होता है, तो हम बताया है ना कि अगर रूट में रहे उसका स्क्वायर रहे तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट होता है, नीचे वाला बचता है सिर्फ सात, और फिर माइनस है तो माइनस देंगे। इसमें भी छह रूट में भी है और स्क्वायर में भी है, तो जब किसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट रहता है और स्क्वायर रहता है तो दोनों कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल हो गया तो यहां बच गया सिर्फ क्या, छह। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, तो रूट सात प्लस रूट छ बटा में एक, सात में से छ गया तो एक, तो हम बटा में एक लगा भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, यानी इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको जो इच्छा है आप यहां पर लिख सकते हैं, बटा एक लगा भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, जैसी इच्छा। चलिए अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन है जिसको हम लोग रेशनलाइज करने के लिए सीख रहे हैं, जिसमें चार क्वेश्चन है पांचवा का, तो दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए और दो क्वेश्चन बच रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, तो बुक देख लीजिए, वन बाई रूट अंडर फाइव प्लस रूट टू है। चौथा क्वेश्चन क्या है, वन बाई रूट फाइव प्लस रूट टू, वन बाई रूट फाइव रूट टू है। तो जब ये क्वेश्चन है तो हमको रेशनलाइज करने के लिए आता है, तो हम क्या बोले कि अगर यहां पे प्लस है तो आपको क्या करना है, साइन को चेंज करके और मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यानी कि यहां पे प्लस है तो आप क्या कीजिएगा, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, यानी कि रूट फाइव माइनस रूट टू बटे रूट फाइव माइनस रूट टू। चीजों को समझ पा रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं, तो यहां पे रूट फाइव माइनस रूट टू प्लस है तो माइनस माइनस करके हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए चीजों को तो कैसे बन रहा है, रूट फाइव माइनस रूट टू को वन से गुना कीजिए, तो यहां बन रहा है रूट फाइव माइनस रूट टू, और यहां पे देखिए जब फार्मूला होता है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ रूट पांच का स्क्वायर माइनस इसका रूट दो का स्क्वायर। तो यहां पे अब क्या बन रहा है, तो रूट पांच रूट फाइव माइनस रूट टू बटा,
अभी हम बताए कि कोई भी नंबर रहे उसका स्क्वायर रूट रहे और स्क्वायर दोनों जब साथ साथ रहता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी इसके जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, पांच, फिर क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस देंगे, फिर दो है और दो का स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो हम जैसा बताए कि आप क्या कर सकते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट को खत्म कर सकते हैं, और होता भी है, ये रूल है कि अगर कोई नंबर रहे उसका स्क्वायर रूट रहे स्क्वायर रहे तो दोनों कैंसिल आउट होके बच जाएगा यहाँ पे दो, तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितना बच जाएगा, रूट फाइव माइनस रूट टू बटा पांच में से दो गया तो कितना बच गया, तीन। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये रेशनलाइज करके, इसी को बोलते हैं हम लोग रेशनलाइज करना, ठीक है, रेशनलाइज करके हम लोगों का ये आंसर आता है। चलिए अब पांचवा का लास्ट क्वेश्चन है चौथा, तो इस पांचवा में जितने भी क्वेश्चन बोल रहा था सबको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करना है तो पांचवा में चौथा क्वेश्चन क्या है, वन बाय रूट सेवन माइनस टू। देखिए यहां पे रूट नहीं है तो हमें उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप डिनोमिनेटर में देखिए तो क्या है, माइनस है, जब ये माइनस है तो हमको रेशनलाइज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, तो इसको लिखते हैं वन बाय रूट सेवन माइनस टू, और ये ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, ये माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा रूट सेवन प्लस टू, और जितना ऊपर लिखते हैं उतना ही नीचे लिखते हैं प्लस में। अब आप बताइए कि ऊपर तो रूट सेवन प्लस टू को गुणा करना है कितना से, एक से, तो कोई भी नंबर को अगर एक से गुणा करना होता है वही का वही नंबर बचता है, यानी कि रूट सेवन प्लस में टू और डिवाइडेड बाय, यहां पे देखिए ए माइनस बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी, तो जब ए माइनस बी और ए प्लस बी बचता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, तो यहां पे रूट सेवन है, रूट सेवन है तो रूट सेवन का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो यहां तो बी के रूट में नहीं है ऐसे ही है, तो ऐसे ही इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो कुल मिलाकर क्या बन रहा है, तो ऊपर बना रूट सेवन प्लस दो, और हम अभी क्या बोले कि स्क्वायर से और रूट जो है खत्म हो जाता है, तो स्क्वायर यहां पे है और स्क्वायर रूट है तो दोनों खत्म हुआ तो कितना बचा, सेवन, ठीक है, और माइनस कितना, तो दो का स्क्वायर कितना, फोर, तो टोटल मिला के कितना हो गया, रूट सेवन प्लस टू बटा में सात में से चार गया तो बन गया तीन। तो इस तरीके से आप यहां तक भी आंसर छोड़ दीजिए कि कितना आंसर आ गया इसका रेशनलाइज करके, तो रूट सेवन प्लस टू बटा में थ्री। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख पाए कि हम लोग रेशनलाइज कैसे करते हैं और कैसी चीजों को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इसके पहले हम लोग रूट वाले को कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं उसको भी देखा, ठीक है। अब हम लोग 1.5 को पूरी तरीके से खत्म कर लिए हैं, तो अगले बार यानी कि अगले क्लास में जब हम लोग की क्लास शुरू होगी तो यानी कि अगले दिन 1.6 1.6 का काम स्टार्ट करेंगे, उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, उससे पहले जो चीजें सीखने का होगा हम लोग सीखेंगे। तो आज के क्लास को यही तक समाप्त किया जाए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।